हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार सपना चौधरी उसके भाई और मां पर दहेज मांगने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पलवल की रहने वाली सपना चौधरी की भाभी ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से। हमने उस पर CEW सेल में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। फिर हमने उस पर FIR दर्ज करी है सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की है सर। क्या डिमांड करी थी जो गाड़ी की बता रहे हैं सर? इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की। अभी सर इसमें तस्दीक होगी DSP साहब की, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सर वो हम आगे FIR में करेंगे। और क्या आरोप है, जैसे कि किस तरह से दहेज मांगते थे, कब शादी हुई थी? इनकी शादी हुई है सर 2018 में सर, और बस यही है, शारीरिक पड़ताड़ना, दहेज मांगना सर, मेरी तो यही है सर। कोई छूटा हुआ था क्या, कौन सी गाड़ी मांगी है? हाँ सर, उसमें बेटी हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था क्रेटा गाड़ी मांगी थी सर, ये एलिगेशन है सर। क्या कार्रवाई कर रही है सर? इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, बाद तस्दीक जो भी कार्रवाई होगी सर वो की जाएगी। सपना चौधरी के भाई की शादी 2018 में हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।